है कि कांग्रेस पार्टी और गठबंधन यूपी में जीतेगा और क्या कहना है? सर बिहार में देखते हैं, बिहार में भी एग्जिट पोल देखे थे मैंने, आप मीडिया के एग्जिट पोल देखे थे बिहार में? एक होली कल भी खेलेंगे, जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो कल केसरिया होली होगी। देखिए ये जनता का स्नेह है, इसके बारे में विस्तार से कल बात करेंगे। इतना ही कहूंगा, भाजपा की कल उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत होगी। सर्वे बिल्कुल नॉनसेंसिकल है, वो सही नहीं है। मैं आप लोगों की पोल नहीं खोलना चाहता हूं, वरना मेरे पास कई चैनल्स के इससे पहले के ओरिजिनल सर्वे हैं, दो दिन पहले के, जिनको दबाव देके बदला गया। सुशासन और विकास के लिए मतलब लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है, इसलिए जो लोग अभी उत्तर प्रदेश में जुगाड़ की सरकार का सपना देख रहे हैं, तो जुगाड़ की सरकार नहीं बल्कि स्पष्ट जनादेश की सरकार बनेगी। बिहार में भी एग्जिट पोल आया था और उसका परिणाम आपने देखा, हम इंटरपोल की इंतजार कर रहे हैं, एग्जिट की नहीं। और मेरे ख्याल से कल का जो रिजल्ट आएगा वो जनता का जो दिया हुआ फैसला उसका परिणाम आएगा, वो देखेंगे। जब पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बैसाखियों के सहारे सत्ता में वापसी चाहता है और अब भी उनको इस बात का एहसास है, इसलिए इस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन मुंगेरी लाल की हसीन सपने हैं और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, कोई सपना देखना चाहे तो देखता रहे। अखिलेश जी ने ये भी कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी नदी के दो किनारे हैं जो साथ बह तो सकते हैं लेकिन कभी मिल नहीं सकते, और अगर मिल जाएंगे तो मोदी जी के लिए 2.5 साल बाद जो संसद का चुनाव होगा बहुत अच्छा होगा। लोगों ने जब आशंका व्यक्त की तो उन्होंने कहा कि हम प्रेसिडेंट रूल रिमोट से नहीं चलने देंगे, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। अब उसको आपने टर्न कर लिया, लेकिन उनका ही कहने का तात्पर्य नहीं है। अब वैसे मेरा व्यक्तिगत मानना है, राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है न परमानेंट दुश्मन होता है। यही तो उनकी सबसे बड़ी विफलता है कि वह अपनी हार को पहले ही, यानी परिणाम आने के पहले उन्होंने हार स्वीकार कर ली। हम श्योर हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं और ये एग्जिट पोल और पोस्ट पोल सर्विस पे बहुत विश्वास हम नहीं करते। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये जो बयान आप सुन रहे थे 12 घंटे से भी कम समय के लिए मान्य है, शनिवार सुबह 9 बजे तक ही। उसके बाद के बयानों में भारी बदलाव आने की संभावना है। जो छिटक रहे हैं वो अगर जीत गए तो गरजेंगे, और जो गरज रहे हैं नहीं जीते तो गरज के साथ छीटे हो जाएंगे। कल आपको रुझान खूब सुनाई देगा, तो टीवी और चुनावी विश्लेषण से यही शब्द लोकप्रिय हुआ है। हमारे सहयोगी अमितेश ने बताया कि उन्होंने ये शब्द पहली बार योगेंद्र यादव को बोलते सुना। रुझान में भी एक और प्रकार का रुझान है, शुरुआती रुझान। पतझड़ में जैसे पत्ते बिखरे होते हैं, वही हाल इस बार एग्जिट पोल के नंबरों का है। लोग उलट पलट कर देख तो ले रहे हैं मगर ये सोच कर नहीं उठा रहे कि गिरे हुए पत्ते किस काम के। एग्जिट पोल की ऐसी दुर्गति कभी नहीं देखी गई। टीवी चैनलों के चुनावी कवरेज में एग्जिट पोल की अपनी विश्वसनीयता होती थी, गलत होते हुए भी लोगों को बहुत दिनों तक यकीन रहा कि इन आंकड़ों की अपनी वैज्ञानिकता। जल्दी ही विश्वसनीयता और वैज्ञानिकता गायब होने लगी, धीरे धीरे शक करने लगे लोग, एग्जिट पोल गलत होने लगे, सरकार के दबाव में एग्जिट पोल के नंबर बढ़ाए जाने के आरोप लगे। हालत यह हो गई कि जब ये गलत निकले तो सरकारों का भी एग्जिट पोल में यकीन कम हो गया। राजनीतिक दल अपना अपना सर्वे करने लगे, जिसे आप इंटरनल सर्वे या अपना सर्वे के नाम से जानते हैं। 5 राज्यों के इस चुनाव में एग्जिट पोल अधमरे से पड़े हुए हैं, इनके लिए कोई एम्बुलेंस भी नहीं बुला रहा। इस बार अगर ये सही निकले तो एग्जिट पोल के फिर से जिंदा हो जाने की उम्मीद की जा सकती है, गलत निकले तो डॉक्टर ही इन्हें ऑपरेशन टेबल पर छोड़ जाएंगे। जब दुनिया में हर चुनाव डेटा के आधार पर होने लगा है, कितना अजीब है कि भारत में डेटा पर आधारित एग्जिट पोल दम तोड़ रहा है। 11 मार्च को अगर ये सही के करीब हुए तो फिर से इनकी शाखों में हरे पत्ते लग जाएंगे, फिर से एग्जिट पोल पेश करने वाले सामने आकर दावा करने लगेंगे। एग्जिट पोल के आधार पर किसी भी पार्टी में जश्न का माहौल नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि यूपी में कोई नहीं जीतेगा। आज की रात नेता चैन से सो लेंगे, उन्हें इतना तनाव झेलना आता है। आप सब भी मतदाता ही हैं, आप ही बता सकते हैं कि आपने किस पोल में अपना मत दिया है। क्या आप वोट देने के बाद किसी एग्जिट पोल वाले को सही सही बोल रहे थे? कई लोग जानना चाहते हैं कि ये पोल वाले आते कब हैं, उनका आज तक उनसे कोई सर्वे क्यों नहीं आया, कोई सर्वे वाला टकराया क्यों नहीं। क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं जिन्होंने किसी सर्वे में भाग लिया है? अगर लिया है तो आपने क्या वाकई सही में बोला है कि सही में इस पार्टी को वोट किया, इसको नहीं किया? बहुमत भी कई प्रकार के होते हैं। अब सुनिए, एक बहुमत होता है ऐतिहासिक बहुमत, दूसरा होता है प्रचंड बहुमत, तीसरा होता है स्पष्ट बहुमत, चौथा होता है साधारण बहुमत, पांचवा भारी बहुमत, छठा पूर्ण बहुमत, सातवां 2/3 बहुमत, आठवां क्लियर बहुमत, नौवां अस्पष्ट बहुमत और 10वां बंपर बहुमत।
तो 10 प्रकार के बहुमतों का हमने पता लगाया है। मीडिया की भाषा में बहुमत सिर्फ बहुमत नहीं होता है, टीवी की भाषा पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। कल आप कुछ सुर्खियां देख सकते हैं जो इस प्रकार हो सकती हैं, मोदी मोदी मोदी, मोदी मैजिक चल गया, यूपी को बदलाव पसंद है, बीजेपी के बीजेपी बहुमत के पार लहराया केसरिया छा गया भगवा, यूपी यूपी फूल खिला है, बनवास से लौटी बीजेपी, नहीं चला मोदी का जादू, शाह को मिली यूपी में मात, अगर हार गई बीजेपी नहीं जीती तो, फिर ऐसे हेडलाइन होंगे, मोदी लहर पर अखिलेश का टूटा कहर, काम बोल गया है। ये अखिलेश के लिए चल सकता है हेडलाइन, चल गई साइकिल, टीपू बना यूपी का सुल्तान, काम नहीं बोल सका, अगर नहीं हार गए तो, हाथ ने पंचर कर दी साइकिल, यूपी को ये साथ पसंद नहीं है। हम एंकरों की भाषा का अध्ययन होना चाहिए, कई बार शब्द अब घिस गए से लगते हैं, वही विशेषण वही मुहावरे जो हर बार इस्तेमाल में लाए जाते हैं, किसी भी मौसम में चुनाव हो, मगर चुनाव चुनावी गर्मी जरूर बोलेंगे हम, सियासत हमेशा गर्मा जाती है, इन्हें हम कैच लाइन टैग लाइन हेडलाइन कहते हैं, हिंदी में सुर्खियां कहते हैं, काले बादल छटने वाले हैं, चल गई झाड़ू, किसकी मनेगी होली, यूपी में मनेगी केसरिया होली, लोकतंत्र में अभी तक हम राज सिंहासन राज तिलक ताजपोशी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, हम आपको बता दें कि अगले 20 साल तक ऐसे ही करते रहेंगे। अब एक और हम भाषा जाते हैं, पत्ता साफ और सुपड़ा साफ के बिना तो कोई चुनाव पूरा नहीं होता है, 11 तारीख को कोई ना कोई सुपड़ा साफ का इस्तेमाल जरूर करेगा, यूपी में कांग्रेस का तो पंजाब में अकाली दल का सुपड़ा साफ, सफाया भी एक जुमला है, अकाली दल का सफाया, साइकिल का सफाया, अब साइकिल का सफाया तो दो मतलब हुआ, या तो किसी ने साइकिल साफ कर चमका दी या साफ कर गायब ही कर दी साइकिल। हम एंकर बैठे हो या खड़े हो, मगर हर बार कहते हैं कि अब यहीं से सवाल खड़ा होता है, खाम खा सवाल को क्यों खड़े कर देते हैं हम, ऐसे बोलते हैं जैसे जिससे पूछ रहे हो वो कुर्सी से गिर जाएगा। कहीं ना कहीं एक और आता है, कहीं ना कहीं इसके बिना तो किसी ने भारत में एंकरिंग ही नहीं की है, ये कहीं ना कहीं क्या होता है समझ नहीं आया आज तक। सबसे सरदर्द होता है जब एंकर बोलता है जी हां, ये जी हां क्या होता है, जैसे आप दर्शक को हम बता भी रहे हैं और आपको बेवकूफ भी समझ रहे हैं, आपको नहीं मालूम है जी हां यही होता है, इसलिए प्रिय पत्रकारों दर्शकों के सामने ये जी हां मत बोलना। जैसे ही एंकर बोलता है कि कहना ना होगा, तभी मुझे लगता है कि अब सुनना ना होगा, आप कहने के लिए बैठे हैं तो क्यों बोलते हैं कि कहना ना होगा, एंकर कहने के लिए बैठा है या नहीं कहने के लिए बैठा है। अब एक और शब्द गौर तलब है, आप सुन कैसे लेते हैं, पता ही नहीं चलता कि किस पर गौर करना है और तलब किस चीज की लगी है। जाहिर है ऐसे ही कोई एंकर बोलते लगता है कि बस अभी तक जो बोल रहा था कुछ जाहिर नहीं था, अब जाकर जाहिर हुआ है, ऊंट किस करवट बैठेगा से बचिए, और देखना यह है, अब देखना यह है, इसके बिना जो भी एंकरिंग करेगा मैं 10 रुपए की टॉफी खिलाऊंगा। तस्वीर का रुख या तस्वीर साफ या तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है, इस तरह की भाषा खास तौर पर और आम तौर पर जैसे ही आता है दिमाग इस बात में उलझ जाता है कि क्या एंकर के दिमाग में यह बात साफ है कि कौन सी बात आम है और कौन सी खास है, क्योंकि वो साफ तौर पर भी इस्तेमाल करता है। रूबरू सुनते ही लगता है कि कानपुर भाग जाए, बेबाक बोल, इशारे इशारे में, इन सब में कौन है जो हम एंकरों को मुक्त कर सकता है, वैसे कोई मुक्त होना नहीं चाहता, फिर भी कांटे की टक्कर, ये सुनकर ही लगता है एग्जिट पोल फर्जी, पटकनी, चित, ये सब तो न जाने कितने ऐसे हैं जिनके कारण हमारी भाषा मरती हुई लगती है। ऐसा लगता है कि मोदी जीते या अखिलेश जीते, हम चुनाव को इन्हीं सब मुहावरों से समझेंगे, नेता भी बोलने लगे हैं और अब आप किसी के सामने माइक लगाइए वो भी इन्हीं सब मुहावरों में बोलने लगता है। एक तरह से देखेंगे कि टीवी और अखबार की भाषा लोगों की जुबान पर चढ़ने लगती है, आम लोग भी उसी तरह सोचने बोलने लगते हैं जिस तरह से अखबार और टीवी से सीखते हैं। अब यही बस करते हैं, वरना हमारे साथी लोग नाराज हो जाएंगे, पर ये जुमले हमारे चैनल के एंकर भी बोलते हैं, मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, मैंने कुछ कोशिश की है, बस चुनाव लड़ चुके कुछ उम्मीदवारों से पूछा है इस बार कि क्या वे अपनी कुछ बात कह सकते हैं जो जनता के सामने वे नहीं कह पाए कि नाराज होकर वो वोट ना दे, क्या वे अंतःकरण की आवाज आप तक पहुंचाना चाहेंगे, उसमें कितनी ईमानदारी होगी, कितना संतुलन होगा, हमने ऐसा कोई पैमाना नहीं बनाया। scroll.in वेबसाइट पर आज समाजवादी पार्टी के पश्चिम उत्तर प्रदेश के थाना भवन से उम्मीदवार हैं सुधीर पवार का लेख पढ़ा, इस लेख को आपको भी पढ़ना चाहिए। सुधीर पवार जीव विज्ञान के प्रोफेसर हैं और समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए पहली बार चुनाव पहुंचे, चुनावी अनुभव जिस तरह से उन्होंने बयां किया है पढ़कर लगता है कि कोई कांटे चुभा रहा है। वो लिखते हैं कि मैंने रातों रात हिंदुओं और मुसलमानों को उन उम्मीदवारों के हक में बढ़ते हुए देखा जो अपने अपने समुदाय के गौरव का प्रतीक बन गए थे। जब चुनाव लड़ने पहुंचा तो जिलाध्यक्ष ने बगावत कर दी, दफ्तर पर ही ताला लगाकर चला गया, जिला यूनिट की बैठक बुलाकर निर्देश दिया कि मेरा विरोध किया जाए। यही नहीं, मेरे क्षेत्र की दो पार्षद मुसलमान थे और सपा के थे,
लेकिन उन लोगों ने भी मेरा विरोध कर दिया, क्योंकि अगर वे हिंदू उम्मीदवार का समर्थन करते तो अगले चुनाव में मुसलमानों का वोट उन्हें नहीं मिलता। मैं सांप्रदायिक सद्भावना के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा था, कागज पर समीकरण मेरे पक्ष में थे लेकिन हकीकत में कुछ और। स्थानीय नेताओं ने मदद करने की पहल की लेकिन वोट ट्रांसफर कराने के लिए पैसे मांगे, शराब की मांग की, मैंने मना कर दिया। मेरा अनुमान है कि उन्होंने दूसरे उम्मीदवारों से ऐसी डील कर ली होगी। स्पष्ट कर दूं आपको कि मैंने ना धर्म का सहारा लिया ना जाति का सहारा लिया, क्योंकि मैं तो उसके खिलाफ ही तो चुनाव लड़ने आया था। मेरे साथ तो जो मेरे साथ जो लोग घूम रहे थे वो आए मेरे पास में, मैंने उस पर लिखा भी है स्क्रोल में। एक राजनीति का पैटर्न बन गया चुनाव लड़ने का, जैसे ही आप चुनाव लड़ने आते हैं तो जो लोग ये समझते हैं कि वो चुनाव लड़वाएंगे वो आते हैं सबके पास में, उनकी कुछ जरूरत होती है, वो आपसे डिमांड करेंगे कि साहब इतनी वोट मेरे पास है तो आप मेरी ये जरूरत पूरा कर दीजिए। ये लड़के हैं या आपका चुनाव प्रचार करेंगे, रात को थकते हैं तो इन्हें शराब भी चाहिए। वो ये मतलब ऐसे वो चुनाव तो एक पैटर्न हो गया, वो प्रधान से लगा के और जो एमपी तक का चुनाव है वो शायद उसी रूढ़ीवादी तरीके से चला गया। तो ये चीजें मेरे सामने भी आई, क्योंकि वो तो चुनाव तो सबको लड़वाते हैं जो लोग होते हैं। मैंने कहा मगर नहीं, मुझे उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ना, मुझे तो एक मुद्दे के साथ या एक मिशन के साथ में चुनाव लड़ने के लिए आया, उस मिशन में यदि आप मेरा साथ दे सकते हो तो साथ दीजिए, पर यदि नहीं दे सकते तो जिनका साथ आपको बढ़िया लगता है आप उनके साथ चले जाइए। समीकरण की राजनीति की बात कर रहे हैं, आपको लगता है जनता बदल सकती है? नहीं, जनता तो सब कुछ बदल सकती है, मेरा तो यकीन है जनता ही तो बदल सकती है, और तो कोई नहीं बदल सकती। राजनीति का ये वो यथार्थ है जो किसी एग्जिट पोल में नहीं आता है। अगर चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार अपने अनुभवों को लिखें तो शायद मतदाताओं को भी समझने का मौका मिलेगा और चुनाव के वक्त स्थानीय कार्यकर्ताओं का क्या क्या व्यवहार होता है ये भी जानने का मौका मिलेगा। हम अक्सर कहते हैं कि नए लोगों को राजनीति में जाना चाहिए, मगर दिक्कत यह है कि ऊपर से तो नए लोग भेजे जाते हैं मगर नीचे जो पुराने होते हैं वो चुनाव को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से हम और आप देखते हैं। यूपी की जनता ही ईमानदारी से बता सकती है कि नोटबंदी के दौर में शराब बटी या नहीं, उनकी गली में नोट बटे या नहीं बटे। वैसे चुनाव आयोग ने चुनावी राज्यों में 170 करोड़ से ज्यादा कैश पकड़े हैं। बहरहाल सुधीर पवार के लेख को पढ़ते हुए हमें आइडिया आया कि क्यों ना हम कुछ और उम्मीदवारों से पूछें कि वो कौन सी बात है जो वो कहना चाहेंगे और जिसे सुनकर आप जनता को खुद को आईने में देखने का मौका मिलेगा। राजनीति उनके लिए, बहुतों के लिए घुटन लगती है जब चुनाव में जाते हैं और देखते हैं इस तरह से खींचातान होती है कि लोग कपड़े तक फाड़ देते हैं कि इतना पैसा दो, इतनी शराब दो, तब लगता है कि नहीं, यहां नहीं जाती, ये गुंडे, बदमाश और बाहुबलियों के लिए है। कम समय में हम जितने भी उम्मीदवारों तक पहुंच सकते थे उन्होंने जिस हद तक अपनी अंतरात्मा की आवाज आपके सामने रखी है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इसके लिए हमने एक कन्फेशन बॉक्स का कॉन्सेप्ट बनाया है। चर्च में आप कन्फेशन बॉक्स देखते होंगे, जहां पर फिल्मों में भी देखा होगा कि वहां पर कोई बक्से में जाता है और अपने गुनाह कबूल करता है कन्फेशन बॉक्स में। तो आप सुनिए और उनको सुनते सुनते आप खुद को भी एक जनता के तौर पर देखिए राजनीति के इस यथार्थ को। कभी कभी लगता है कि ये सब परिस्थितियां लोग आते हैं लोग और फिर उनसे जब धोखा मिलता है कि जिनको उन्होंने 5 साल आपसे काम कराया और चुनाव के टाइम पे वही मुंह मोड़ लेते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है आदमी को कि जिनके काम करते रहे, जिनके क्षेत्र में विकास कराया और आज वही दूसरी तरह की बातें कर रहे हैं तो अफसोस तो होता है। ऐसा कौन सा एक जो पूरे चुनाव दौरान आपको लगा हो तो सबसे आपके दिल की छू गई हो और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन मजबूरी है, चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए, ऐसा कोई वाकया, ऐसा कोई? देखिए, हर कोई ये चाहता है कि अपने क्षेत्र के वासियों की सबकी समस्याओं का समाधान हो, लेकिन तमाम ऐसी मजबूरियां होती हैं जिनके रहते नहीं हो पाता है। जैसे हमने अल्पसंख्यक क्षेत्र में बहुत विकास के कार्य कराए लेकिन जब मतदान का समय आया तो ध्रुवीकरण हो गया और उसमें पूरी तरह से वो मतदान एक तरफा हो गया तो थोड़ी तकलीफ होती है कि जिनके लिए हमने 5 साल काम किया, जिनके कहने पे काम किया, जिनके क्षेत्र में काम किया, जिनकी तमाम तरह से मदद की और वो सब लोग जाति और धार्मिक आधार पर जब मतदान करते हैं तो दिल को तकलीफ होती है। 5 साल में जिस तरह से अखिलेश जी ने मेरी विधानसभा में कितना काम करा है मेरा दिल जानता, मेरा अल्लाह जानता और मेरे क्षेत्र की जनता जानती। मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि एक इलाका है तेजाब मिल जहाँ 35 साल से वहाँ पानी नहीं आ रहा था, वहाँ पे हमने 5 करोड़ रुपए की लागत से नलकूप पानी की टंकी लगा के वहाँ एक मुसलमान नहीं है वहाँ के लोगों को पानी पिलाने का काम करा। उसके बाद अगर वहाँ के लोग एक ऐसी पार्टी का झंडा लगाए जहाँ का सांसद 2.5 साल से सांसद होने के बाद 2.5 दिन वह उस क्षेत्र में गया ना हो,
जहाँ पे ऐसे ऐसे बात सुनने में आई हो, तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी काम का फल कम है, मजहब के नाम पे बात ज़्यादा है। देखिए, हमने कहा चुनाव कोई भी है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी परीक्षा है लोगों का विश्वास जीतने की, लोगों के बीच में रहने की। हम लोग जो भी कोशिश करते हैं उसमें कोशिश में होती है कि हमारे हम जो लोगों की समस्याओं का समाधान के लिए अपने को कैसे उतारे खड़ा, उसकी कोशिशें हम लोगों ने की हैं और हम कह सकते हैं कि उन्हीं कोशिशों की वजह से एक विश्वास पैदा होता है लोगों के, हम लोगों के बीच में। हम कहते हैं कि राजनीतिक रिश्ता भी एक बड़ा रिश्ता है आज समाज में। ध्रुवीकरण इतनी आसानी से नहीं होता। लोग अफवाहें फैलाकर, लोग नेगेटिव बात करके लाभ लेने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आज पब्लिक में बड़ी जागरूकता आई है, परिवर्तन आया है। लोग सुनते सबकी हैं पर करते मन की है। मैं कह सकता हूं कि जो कोशिश आप करते हैं उसकी उसको उस पर भी नज़र लोग रखते हैं। हम लोग वर्षों से काम कर रहे हैं राजनीति में, हम गाँव गाँव हम लोगों से संबंध है, कार्यकर्ता के रूप में कह सकता हूं पार्टी के लोगों के साथ, वहीं समाज के बीच में उनकी समस्याओं को लेकर बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जहां सामाजिक उनके जीवन से जुड़ी बातें हैं, उन पर हम लोग उनके साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं और एक नया रिश्ता बनाते हैं। मैं कह सकता हूं वो रिश्ता मामूली नहीं होता। अफवाहों से लोग गुमराह कर सकते हैं पर वोट परिवर्तन नहीं कर सकते जी। राजनीति में देखिए, एक तो पार्टी में कुछ दलाल टाइप के लोग बैठे हैं जो पार्टी में दलाली करते हैं, और उसके बाद जब इससे आगे बढ़ेंगे, क्षेत्र में पहुंचेंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो क्षेत्र में जब आप पहुंचेंगे चुनाव लड़ने के लिए, हमने अपना जो अनुभव किया कि मैं इन पार्टी के दलालों से जूझते हुए जब मैं निर्दल हो गया और जब पार्टी में पहुंचा चुनाव लड़ने के लिए, तो जो लोग वहां पर हमारे साथ हुआ करते थे, स्पेशली जनता, जो गांव की जनता, भोली भाली जनता है, मैं उनकी बात नहीं करता हूं, जो चंद दलाल टाइप के लोग होते हैं मैं उनकी बात करना चाहूंगा कि वो जब मैं पार्टी में था तब तो वो मेरे साथ खड़े रहते थे, और जब मैं निर्दल हो गया तब भी वो मेरे साथ खड़े रहते थे, सुबह के टाइम मेरे साथ रहते थे, शाम के टाइम अगले के साथ रहते थे। उनका ये मानना था कि पैसा दो, लोगों को दारू की व्यवस्था कराओ तो मैं वोट की व्यवस्था कराता हूं। लेकिन ऐसे लोग ही राजनीति में, ये ऐसे ही लोग राजनीति में कुरीति पैदा कर दिए हैं, जो कि लोगों को, अच्छे लोगों को राजनीति से थोड़ी दूरी वो लोग बनाते हैं। उसका कारण केवल यही लोग हैं जो पार्टी में बैठे दलाल लोग हैं या जो क्षेत्र में दलाल टहलते रहते हैं, जो पैसा और दारू के नाम पर टिकट देने की बात करते हैं और जो पैसा और दारू के नाम पर वोट दिलवाने की बात करते हैं। कटु यथार्थ की बात तो कोई उम्मीदवार करने की स्थिति में नहीं होता है। राजनीति ऊपर से बड़ी सुहानी लगती है लेकिन अंदर जो यथार्थ होते बड़े कड़वे होते हैं, तो हर आदमी को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करके चलना पड़ता है। समझाना तो आसान है आज समाज में, पर खुद समझना बड़ा मुश्किल है। मैं कह सकता हूँ ये बात कि जो बातें हम उनके बीच में रखते हैं, जो उनकी समझ में आ जाए, जो उनकी समझ से जुड़ी हैं, और उस बात को, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों ने जो काम किया है वो उनकी समस्याओं को समझकर करने की कोशिश की है, इस आधार पर हम कह सकते हैं विश्वास मिला है लोगों का। मैच या कुछ भी, उसमें तो लड़ाई में सब जायज है, लड़ाई में तो सब जायज है, तो ये तरह की युद्ध है, जो जिस हिसाब से अपनी जनता को समझाना चाहे समझा लेता है। हमारे पास काम था, हमने अपने काम के दम पे समझाया। लोगों के पास सिर्फ झूठ मक्कारी थी तो उन्होंने अपने पैसों के दम पे समझाया। अब देखिए, ये तो कल तय करेंगे, आप भी बताएंगे सबसे पहले कि सीसा मऊ का क्या हाल है, हम जा रहे हैं या रुक रहे हैं, ये तो परमात्मा तय करेगा। हमने कहा कि व्यक्ति के जीवन की अपनी समस्याओं को लेकर भी हम कहते हैं कि हमेशा समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं। जब हम किसी एक समस्या का समाधान करते हैं तो दूसरी समस्या दिखाई पड़ती है, उसके समाधान की कोशिश करते हैं। यही जिज्ञासा सामाजिक जीवन में भी है और राजनीतिक क्षेत्र में भी है। जब किसी गांव की एक समस्या का समाधान होता है तो लोग दूसरी मांग करते हैं, तीसरी मांग करते हैं, और हम कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि हम दूसरी कैसे खत्म करें, और जब तीसरी का नंबर आए तो उसके समाधान का रास्ता निकालें। ये बड़ी लड़ाई है जिंदगी में। आदमी, हर आदमी की कोशिश है कि हम अपने लोगों को खुश रखें। मैं कह सकता हूं कि जो लोग दूसरों को खुश रखने में कामयाब होते हैं वो सफलता के करीब पहुंचते हैं। जनता से अनुरोध होगी कि वो पार्टी पे न जाएं, पार्टी पे वो बिल्कुल न जाएं। कोई भी पार्टी अगर वो प्रत्याशी खराब उतारता है तो ये जनता का अधिकार है, जनता को ये करना चाहिए कि पार्टी को रिजेक्ट कर देना चाहिए, पार्टी की पूंछ पकड़ के उनको नहीं बैठना चाहिए।